ही है। क्या घर में हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा हमें। गाइस क्या निकला वाला है, एक बच्चे से दो तीन बच्चे कल हुए, परसों मेरा ग्रहण हो गया है। वजन तो नहीं है पर डब्बे के अंदर डब्बा है। तो गाइस मेरा भी शावर वगैरह हो गया है, पूजा मैंने कर दी है क्योंकि ग्रहण था, जो कपड़े मैंने पहने थे ग्रहण में वो भी थ्रो कर दिए हैं। अब बस फटाफट से कुछ खा लेती हूँ, सुबह से भूखी हूँ, पेट में बच्चे जो हैं मांग रहे हैं खाना दोनों, तो मैंने अभी फटाफट से, मैंने आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई है क्योंकि मुझे बहुत लेट खाना था ना, तो मैंने टाइम बहुत सारा था, तो मैंने बहुत सारी चीजें बनवाई खाने के लिए। अभी आपको दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ मैं। तो ये भी आपकी डाइट का एक हिस्सा है, हेल्दी है, और मैं सारी चीजें हेल्दी ही निकाल रही हूँ ताकि आपको जो है ओवर फैट ना मिले। ये मैंने आज अपने लिए कुछ चटपटा बनाया है। ये छोटी छोटी वाली प्याज को मैंने मिर्ची के साथ फ्राई कराया है, और छोटे वाले स्मॉल पोटैटो को बिना छिलके उतारे, उसको सब्जी बनी है उसकी, बहुत टेस्टी बनती है। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे ना ऐसे दिन पे आए ना कि लोग उस दिन को सेलिब्रेट करें, तो ईद उस दिन है 22 तारीख को, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी, तो मेरे बच्चे का जो जन्म है वो हर कोई उसके लिए खुश होएगा, नए नए कपड़े लेगा, घर में मिठाइयाँ बनेगी, तो मेरे लिए उससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है ना। कुदरत से ऊपर क्या होता है ना, ईद आपको पता है बहुत ही बड़ा त्योहार है सबके लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हर जगह के लिए, क्योंकि जैसे होली दिवाली ईद हर किसी के अपने अपने त्योहार होते हैं, और ये हमारा एक हिंदुस्तान है, इसमें जितने भी त्योहार बनते हैं वो हमारे अपने हैं, तो कभी भी भेद मत करो कि दिवाली उनकी होती है, ईद उनकी होती है, या फिर कुछ भी एक्सपाइजर। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता धर्मों के बारे में, क्योंकि बस मैं इतना प्राउड करता हूँ कि मैं इंडिया में हूँ और जो भी लोग यहाँ पे हैं वो हमारे। लंच तो लंच में है आज दाल और रोटी, दीदी ने स्पेशली दाल बनवाई है, दीदी कहती यही खा, तो बस अब लंच करती हूँ। तो अपनी कमांड्स मान लो। क्या कमांड? रसोई में एक बार चेक लो सब चीज अच्छे से करिए हमने नहीं। अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। गाइस या पब्लिक को बेवकूफ बना रहे, डाइट बनानी है, और जो डाइट का पूरा इंस्ट्रक्शन है, पूरा इंग्रेडिएंट है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं समझाती हूँ। ये तो है ही दीदी, इसीलिए तो बोला आप चेक कर लो। हाय, क्या हाल चाल है? तो गाइज ये चेहरे को तो आप पहचान ही गए होंगे, चेहरे को नाम की वो नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा बच्चा जानता है, हर एक दिलों की धड़कन है ये। ठीक है, ये हमारे हाथ और आंख जो खाली है ना, क्योंकि हम जा नहीं पा रहे इसलिए, और मेरी डिलीवरी है, हम आ सकते हैं बट अभी करने नहीं है। और कैसे हो? अभी अभी घर पे कौन पहुंचा है, अगर मैं चेहरा दिखाऊं तो पहचान लेना, क्योंकि पायल और गोलू की फेवरेट ट्रेंड दीक्षा, और इनके मुंह से दीक्षा एक और है जिनके कपड़े की प्रमोशन करते हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, शिखा गुंजन, मतलब हमारी गोचर फ्रेंड्स है। हाँ, तो उतने ही गाने गाते हैं ना, और आजकल ना क्या है ना कि दीक्षा मिस कर रही है, क्योंकि ये 15-20 दिन में पहुंच जाती थी आंखें वाखे लगवाने के लिए। काम करती हूँ मैं तो, जा नहीं पाऊंगी दीक्षा को बोलूंगी, अभी भी मेरी लैशेस एक आधी लगी हुई है। तो भैया दीक्षा ना बहुत ही खतरनाक गिफ्ट लेके आई है, मुझे लग रहा है इसके अंदर पता नहीं क्या होगा, पर अनबॉक्सिंग करेंगे जब दीक्षा चली जाएगी, क्योंकि ना गिफ्ट हमेशा तभी खोलना चाहिए जब सामने वाला ना हो। तो यहाँ सपना दीदी फुल रास्ते बिजी है जात के साथ, तो इतना ही लाके जाऊंगी, इनके पास नहीं रहेगा ये, फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा दीदी हमेशा, इनके लिए मैं रह सकती हूँ। सही जैद बोल लो बेटा। जैसा कि आपको पता है मेहमान जा चुके हैं, दीक्षा जा चुकी है, तो अब होगी इस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। तू बता क्या निकलेगा, गेस करो क्या। एक मिनट में हिला के देखती हूँ, तू बता। झूला है, झूला बता, झूला ही है, बताओ। मुझे तो इतना बड़ा लग रहा है, मेरा वॉकर हो गया, दीदी वॉकर बोल रही है, इसमें टेडी है शायद, तो नहीं हो सकता। अच्छा ये इसने अभी दीपक ने बोला था इसमें वॉशिंग मशीन है, पेशेंस की बहुत कमी है। वैसे पहले के जमाने में क्या करता था, किसी के घर पे गिफ्ट आते थे ना, या हमारे घर पे गिफ्ट आते थे, तो हम क्या करते थे, उसकी जो शीट है ना वो आराम से निकालते थे, ताकि हमें कभी किसी को गिफ्ट देना तो वो शीट काम आ जाए, पर आज के टाइम पे बिल्कुल पेशेंस नहीं है, तो फटाफट से कर देते हैं अनबॉक्सिंग। दीदी मैं भी हूं यार, इतनी लाचार हो रहा हूं गिफ्ट में। नहीं ये गाड़ी वाली है, मैंने कहा था ये गाड़ी में जो रख के ले जाते हैं वो है। तो गाइस इस बार मैं जीती हूँ, सारे हार गए, वही है। ये तो हमें ये इन फ्यूचर हमें चाहिए भी थी, तो बहुत ही काम की चीज देके गई है दीक्षा, और ये अभी तक गिफ्ट में आया भी नहीं था, लेकिन यार ये तो गलती हो गई, ये तो एक ही है, तीनों को फंसाना पड़ेगा एक में, नाम लेते ना जाएंगे। इसमें बच्चा अच्छे से बंध जाएगा। गाइस बस दो और चाहिए, ये एक आ गई है और बस दो नहीं तीन और चाहिए, चीकू भी तो है।
तो गाइज हमारे पास जितने भी गिफ्ट आए ना, जितने भी गिफ्ट आए हमारे पास, वो सारे इतने यूजफुल है। अभी आधे गिफ्ट तो हमने खोले ही नहीं है क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, बच्चे कल होंगे, बच्चे एक बच्चे से दो तीन बच्चे कल होंगे, परसों 20 तारीख है। हाँ तो कल मैं चली जाऊंगी ना हॉस्पिटल, कल रात को जाओगे ना? हाँ तो परसों सुबह हो जाएगा ना। आज मैं फेशियल ब्लीच ये सब करवा रही हूँ, पहले करो नहीं दीदी पता क्या, फिर फेशियल ब्लीच। तो गाइज कल जो है मैं हॉस्पिटल में एडमिट फाइनली हो रही हूँ, होने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा मेक ओवर कर लेती हूँ। तो आज मेरी होगी ब्लीच फेशियल, और वैक्स खत्म हो गई थी तो हमने वैक्स मंगाई है, गंदे ना हो बेडशीट इसलिए बेडशीट मंगाई है, और वैक्स टिप्स मंगाई है बंटी भैया से क्योंकि ये खत्म हो गई थी हमारी। तो गाइज जो आज का सूर्य ग्रहण था ना, वैसे वो इंडिया में नहीं था, इंडिया से बाहर था, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने सोचा कि लास्ट है मेरा प्रेगनेंसी का, तो मैं इसका पूरा जो है करती हूँ, जो भी इसका सोल्यूशन होता है वो करती हूँ। मैंने आज 7 बजे के करीब ये जो ग्रहण शुरू हुआ था तब से, और 12:30 तक चला था, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सब कुछ अच्छे से मेरा ग्रहण हो गया है, पूजा भी कर ली थी उसके बाद, क्योंकि ग्रहण में ना एक मदर को जो ऑलरेडी प्रेगनेंट है उसको ना ग्रहण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ग्रहण के ना बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो मैंने इसके लिए रिस्क नहीं लिया दोनों बच्चों के लिए, और पूरा ग्रैंड का जितना भी करना होता है ना सब किया। लास्ट टाइम जो एनएसटी कराई थी उसमें फीटस में एक बेबी को दर्द आ रहा था, तो आज एनएसटी करवाते हैं, फिर जो भी होगा हम आपको भी अपडेट देते हैं इस बारे में। फाइनली मैं पहुंचा हूं घर, और पायल के लिए लेके आए बहुत ही कमाल का गिफ्ट। पायल क्या मैंने सच में देख ले, बोले क्या निष्ठा लेके आइए, जल्दी जल्दी से खोलो भैया, जल्दी से खोले क्या, और पूरा ऐसे दिखाएंगे, बीच में कहीं कट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई? अरे कोई चक्कू दे दो इसको। अरे नहीं मैं खोलूंगी, गिफ्ट खोलने में तो बहुत मैं एक्सपर्ट हूँ, अभी गिफ्ट खोला। पायल फुल फास्ट चल रही है, कमाल का गिफ्ट खोलने वाली है, पकड़े वाला सरप्राइज। अब देखो चाकू दे दो, बहुत खुश होने वाले हैं दीदी, देखिए। गोलू को भी दान दे फिर खोलियो, आजा गोलू। हाँ दो गिफ्ट है, एक तो ऐसा गिफ्ट है जिससे मतलब गिफ्ट के अंदर खोलो क्या 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 ये डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा है। अरे कोई गिफ्ट नहीं है, हाँ पाल को दे ये डब्बा, ये तो मिल गया, मैंने थोड़ा देखा ब्राउन। अच्छा बेबी गर्ल्स है, अच्छा ट्विन्स है, है? वाह कितना क्यूट गिफ्ट है, क्यूट लग रही है ना, काश ऐसी ओरिजिनल आ जाए हमारे पास दो गर्ल्स। डॉक्टर का फोन आया था बेबी, 6 बजे जाना है मुझे, क्या करना है? एनएसटी है। अच्छा चेक करेंगे दर्द है कि नहीं है। हाँ। और दूसरा गिफ्ट गोलू खोल रही है। हाँ। सुंदर है ये, यहीं पे रख देना। हाँ, ईवी लाई वाला है ना ये। हाँ। हाँ, बहुत सुंदर गिफ्ट है। ये लड़की लेके आई है, नहीं ये पीछे वाले बोलते हैं। अच्छा बहुत अच्छे है, एक और है ब्रेसलेट भी है, बहुत सुंदर गिफ्ट लाए हो, बहुत ही प्यारे है ये, बहुत अच्छा लगा, दिखाई मुझे दोनों। देखो आगे खोलो बेटी, देखो जो जो बहन आई है, अच्छे लग रहे हमारे पास, दो लड़के तो है ना, और दो लड़कियां, तो बस ऐसी फैमिली यार, ऐसी हो जाए ना, दो लड़के तो पापा ऑलरेडी हैं,